अयोध्या और चित्रकूट सीटें तो बचा नहीं पाए। महाराष्ट्र आकर क्या करेंगे योगी आदित्यनाथ? यूपी सीएम पर संजय राउत का तंज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर सभी सियासी दल एक्शन मोड में हैं। भाजपा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक बनाया है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों के लिस्ट में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम देख संजय राउत ने तंज कसा है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि योगी आदित्यनाथ अपनी अयोध्या और चित्रकूट जैसी लोकसभा सीटें नहीं बचा पाए, वह महाराष्ट्र में आकर क्या करेंगे। संजय राउत ने कहा सीएम योगी उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए, भाजपा अयोध्या चित्रकूट जैसी सीटों पर जीत दर्ज नहीं कर सकी। बतौर सीएम वह चुनाव प्रचार के लिए आ सकते हैं, लेकिन यह तय है कि वह यहां पर आकर भड़काऊ बयानबाजी करेंगे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि यह महाराष्ट्र है, यहां न कोई बचेगा न कोई कटेगा। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा वह भड़काऊ भाषण देंगे, दंगे भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहां पर हमें सावधान रहना होगा। सीएम योगी की इस तरह की राजनीति यहां पर नहीं चलने वाली है। यह फूले साहू अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। यहां की जनता इस तरह की राजनीति को खारिज कर देती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नाराजगी की खबरों ने जोर पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी महाराष्ट्र में सीट बंटवारे से नाराज हैं। इन अटकलों पर संजय राउत ने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में तीनों पार्टी प्रमुख है जो मिलकर चुनाव लड़ रही है। राहुल गांधी बहुत ही संयमी नेता है, उनको महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में पूरी जानकारी है। यह भी उन्हें पता है कि हरियाणा में पूरी सीट कांग्रेस ने लड़ी थी लेकिन सरकार नहीं बना पाई। मेरा मानना है कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए, सबका साथ सबका विकास के नारे की अगर किसी को जरूरत है तो महाविकास अघाड़ी को है। सपा नेता अबू आजमी ने सीटों के बंटवारे को लेकर इंडी ब्लॉक के सामने अपनी मांगे रखी है। इस पर संजय राउत ने कहा कि हम उनके संपर्क में हैं, गठबंधन में बातचीत करके ही फैसला लिया जाता है, समय रहते हम सभी बातों को सुलझा लेंगे।